नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी, मैं हूं आरिज मतलूब। मशहूर कॉमेडियन राजीव श्रीवास्तव नहीं रहे, हमारे जमाने में स्टैंड अप कॉमेडी का एक जो आइडिया है वो राजीव श्रीवास्तव के दौर में आया। एक जमाने में घर घर गजोधर भैया छा गए और आज भी उनकी यादें सभी अपने साथ लेकर चलते हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके जहन में राजीव श्रीवास्तव को लेकर कोई याद ना हो। राजीव श्रीवास्तव तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके दोस्त और कॉमेडी के मंच पर साथ में महफिल सजाने वाले एहसान कुरैशी हमारे साथ हैं। एहसान कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। सर, आज का दिन बड़ा दुख वाला है। आपके दोस्त, उनकी खबर सुबह सुबह जैसे आई है, इस पे इंसान क्या ही रिएक्ट कर सकता है? आप कुछ उस पे कुछ बोले उस पे। आप भाई, एक घंटे तक तो हमें यकीन नहीं हुआ। हमने सारे चैनल ओपन कर करके देखे, एक पे यकीन नहीं हुआ, दूसरे पे नहीं हुआ, फिर तीसरे पे नहीं हुआ, फिर हार माननी पड़ी। और एक महीने से लगातार शिद्दत के साथ दुआएं जारी थी, पूरा देश दुआएं कर रहा था, मंदिरों में दुआएं, मस्जिदों में दुआएं, गुरुद्वारे में दुआएं हुई। एक बार राजू भाई फिर से खड़े हो जाएं, फिर से वापिस आ जाएं, मगर कुदरत को मंजूर नहीं था। दुनिया के चेहरे पे हंसी पहुंचाने वाला ये कलाकार हमसे विदा हो गए। यह हार्दिक हार्दिक दुखद समाचार है और हम सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। एहसान साहब, आपकी और राजीव श्रीवास्तव की जो दोस्ती थी वो किस तरीके की दोस्ती थी? कब आपकी मुलाकात हुई थी? हमारी पहली मुलाकात तो सर आज से 17 साल पहले हुई, 2005 में जब शूटिंग हुई थी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की, तब हम मिले थे। और ऐसे मिले कि आज तक मिलते ही रहे। 17 साल में दोस्ती के कई रंग गहरे होते गए। जब भी वो कोई शो करते थे मुझे जरूर बुलाते थे। उन्होंने बहुत सारे टीवी के शो किए, बोले एहसान एक एंट्री करके जाओ, तुम्हारा अंदाज बड़ा निराला है। मेरी बस की कविता उनको बहुत पसंद थी, कहते थे यार हमारे यूपी के कई गांवों में ऐसे ही बसें चलती हैं, और बस चलती हैं तो सड़क नहीं दिखती है, और सड़क दिखती है तो समझ में नहीं आता गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी उनको पसंद आती थी और हम तो उनके फैन रहे। पहले से हम ऑडियो वीडियो और उनकी फिल्में देख चुके थे, मगर मुलाकात हमारी 2005 में हुई और ऐसी हुई कि दोनों परिवार एक हो गए। उनका परिवार मेरा परिवार, मेरा परिवार उनका परिवार। एहसान साहब, पर्दे पे हम लोग राजीव श्रीवास्तव साहब को तो सब देखते हैं। एक रिपोर्ट आई थी कि राजीव श्रीवास्तव जो हिंदी बेल्ट है, उत्तर भारत के जो लोग हैं, सभी उनका शो देख चुके हैं, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी की जब शुरुआत हुआ था तो राजीव श्रीवास्तव ने एक छाप छोड़ी थी। लेकिन उनकी शख्सियत कैसी थी, क्योंकि पर्दे पर तो सारी दुनिया देखती थी उनको, वो एक आम जिंदगी घरों में दोस्तों के साथ कैसे बिताते थे, कुछ यादें कुछ शेयर करेंगे आप? बहुत यारहाना थे, दिल बहुत नरम था उनका, गरीबों के लिए हमेशा आगे आगे रहते थे, बंद मुट्ठी की मदद करते थे। अगर उनको पता लग जाए ये कॉमेडियन है, हमारी जमात का आदमी है, एक महीने से शो नहीं किया है, घर का रेंट नहीं भरा है, तो अब ये जिम्मेदारी राजू भाई अपने ऊपर ले लेते थे। खाना खिलाना, बंद मुट्ठी उनको पैसे दे देना, मदद करना, ये बहुत। और कलाकारों का तो हमेशा से ही हमदर्द रहे, साथी रहे, तो बहुत अच्छे थे। यही दुआएं थी जो उनको बहुत ऊपर तक ले गई। आदमी ऐसे ही नहीं जाता, उसके पीछे कोई दुआएं काम करती है। तो राजू जी के लिए दुआएं बहुत हुई थी, बहुत ऊंचाई पे गए, और आज वो ना रहे मगर उनका अंदाज हमारे पास रहेगा, उनकी हंसी हमारे पास रहेगी, उनके ऑडियो वीडियो के मार्फत से वो हमारे बीच में जीवित रहेंगे। बहुत अच्छी शख्सियत और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। छोटी सी जगह से निकल के आए, कानपुर लखनऊ की सरजमीन की जुबान को पूरी दुनिया में फैलाया, गजोधर जी की जुबान में। और सबसे अच्छी विशेषता थी उनकी बेजान में जान पैदा कर देना। सोफे पे बैठे हो आप, सोफा कहता है कि सांस लेना है, खड़े हो जा मेरे भाई। रिमोट बोलता है इतना मत पूछ लो मेरे को बार बार, अगर तुमको कोई चिमटी लेगा तो कैसा लगेगा। तो ये सारी बातें सिर्फ राजू जी ही मार्केट में लाए,
पंखा कैसे बात करता है, गाय कैसे बोल रही है, वो क्या बोल रही, क्या सोच रही, मछली कैसी चल रही, ये बातें राजू भाई लेके आए थे। हर खास आम की लाए थे, सुनने वाला ऐसा सोचता था तो हमारे बीच का आदमी तो हमारी बात कर रहा है, इसलिए इन्होंने दिलों में राज किए और हिंदुस्तान के हर फर्द के दिल में ने राज किया। सही बात है। उनके कुछ कैरेक्टर्स भी बड़े शुरुआत में फेमस हुए कि आखिर उत्तर भारत में जो फूफा का रिश्ता होता है वो कैसा होता है, फिर शादियों में लोग जाते हैं तो कैसे उसमें शिरकत करते हैं, कैसे अपनी बातें करते हैं और खाने के प्लेट पे कैसे वो टूट पड़ते हैं। आपका उनके घर का आना जाना हमेशा से रहता रहा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि आपकी और राजेश श्रीवास्तव साहब की दोस्ती बड़ी क्लोज फ्रेंडशिप थी आप दोनों में, तो आपसे कुछ यादें शेयर करेंगे, आपकी कुछ ऐसी यादें जो कि आपको, जैसे आपने खबर सुनी होगी कि राजेश श्रीवास्तव साहब नहीं रहे तो सारी चीजें घूमनी शुरू हो जाती हैं जहन में, जो आपने उनके उनके साथ कुछ अच्छे पल बिताए। हाँ बिल्कुल, अच्छे पल तो हमारे को बस ये कि सदमा हमेशा रहेगा। जब अभी मिले थे बॉम्बे में 2 महीने पहले, हुनर हाट एक कार्यक्रम होता है गवर्नमेंट का, मुख्तार अब्बास नकवी साहब केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने 40 कलाकारों को 40वें हुनर हाट के मौके पर अवार्ड दिया था, उसमें राजू जी शामिल थे और मैं भी अवार्डी में, तो मुझे भी अवार्ड मिला था। तब हमने कहा था राजू भाई एक फिल्म बनाई जाए सारे कॉमेडियंस को लेके, जैसे बॉम्बे टू गोवा बनी थी। अब तो आप यूपी के मंत्री भी हो गए हैं और सब्सिडी आपके डिपार्टमेंट से भी मिलती है तो बहुत आसान हो जाएगा फिल्म। बोलिए तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट मीटिंग पे अपन स्टोरी पे बैठते हैं। बस अगली मीटिंग का मालिक ने मौका नहीं दिया। मुझे हमेशा याद रहेगी ये आखिरी मुलाकात में हमने फिल्म डिजाइन किए थे। अब हम लोगों की जिम्मेदारी के कॉमेडियंस मिलके एक फिल्म बनाए और राजू भाई को समर्पित करें, वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल, लेकिन राजेश श्रीवास्तव साहब मुंबई में जिस तरीके से कहा जाता है बिल्कुल जीरो लेके गए और बड़ा शोहरत नाम वहां पे कमाया, खूब पैसे कमाए, परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। राजेश श्रीवास्तव साहब की सोच एक दूसरे कॉमेडियन को लेकर एक ऐसी थी, क्या सोचते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी वो चाहते थे कुछ उसको एक्सपैंड करें, उस बारे में आपकी कोई जिक्र, कोई बातचीत हुआ उसको लेकर के? फिल्म स्टूडियो को लेके बात हुई थी कि बहुत शानदार एक स्टूडियो नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में और एक लखनऊ में बनाया जा रहा है, जो वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो मुंबई आके भटकते हैं, जिनको काम नहीं मिलता, अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने उत्तर भारत में ही काम करेंगे, शानदार नाम करेंगे और उनको मौका मिलेगा। और हुआ भी, इस बीच में बहुत सारी 50% फिल्म लखनऊ, कानपुर, नोएडा, इधर फिल्माई गई और जितने भी उत्तर भारत के पुराने अच्छी जगह हैं वहाँ, बनारस में भी हुई, इलाहाबाद में भी शूट हुए, तो वो बहुत खुश होते थे कि चलो मैं अपने प्रदेश की जो कर्ज था, कर्ज अदा करने के काम आ रहा हूँ, उसमें उनका भी योगदान था और लगे थे वो, इसीलिए तो उन्होंने वो डिवीज़न लिया था, फिल्म डिवीज़न अपने हाथ में लिया था। तो ये एक अच्छा काम उन्होंने बॉम्बे में भी किया, यहाँ के कलाकारों को भी प्यार किया, उत्तर भारत गए तो उत्तर भारतीयों से प्यार किया, वहाँ के कलाकारों से प्यार किया और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि वो वहीं के थे। तो राजू जी जूनियर अमिताभ बन के यहाँ आए, पैसा आया, दौलत आई, शोहरत आई तो बहुत आसानी से नहीं आई, इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, इतना स्ट्रगल किया है कि अब एक रूम में रहते थे, मोबाइल थे नहीं 90s के पहले, लैंडलाइन लगाने की ताकत नहीं थी, तो वो पीसीओ हुआ करता था, 1 रुपए का सिक्का डालते थे और बात करते थे, भैया कहाँ आना है एड्रेस नोट करा दीजिए, इतनी देर में वो कट जाए तो फिर दूसरा सिक्का डालो, क्यू में खड़े रहो, बहुत स्ट्रगल, एक कमरे में 3-3 लोग मिलकर रहते थे, तब आए थे वो, लेकिन जूनियर अमिताभ थे, अमिताभ जी की एक्टिंग करते थे, आवाजें निकालते थे, डांस करते थे उनके अंदाज में, तो 2 बातें सेम हुई। फिर अमिताभ बच्चन जी जब कुली फिल्म में घायल हुए तो पूरे देश ने उनके लिए दुआ की, और अभी राजू श्रीवास्तव जी जब हॉस्पिटल में थे तो पूरे देश ने दुआ की, ये मंजर मैंने
उनके बाद देखा अमिताभ जी के बाद इतना प्यार के लोगों ने राजू जी के लिए बहुत दुआएं की कि फिर से खड़े हो जाए, सबको हंसाने वाला, सबके दुखों को दूर करने वाला मालिक, मैं तो दुआ करता हूँ इस मौके से उनके आने वाली पीढ़ी को बहुत खुश रखे कि उन्हें बच्चों के लिए दुआ कर दिया। भाभी जी के लिए विशेष दुआ करता हूँ, भैया उन पे बहुत जिम्मेदारी है, दो बच्चों की शादियां करना है, अभी बिटिया बड़ी है उनकी, बेटा छोटा है। राजू भाई और मैं दोनों सेम थे इस मामले, मेरी भी बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है, मुझे भी दो शादियां करनी है, उनको भी दो शादियां करना है और पूरी जिम्मेदारी अब भाभी के हाथ में है। तो मालिक उनको बहुत ताकत और हिम्मत दे कि वो सारा काम संभाल सके। एहसान भाई, आप मुंबई की लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, आपकी वहां पे काम के लिए इतना भाग दौड़ है, बड़े तनाव भरी जिंदगी रहती है। आप पिछले दिनों कई ऐसी खबरें आई कि आपने बात सुनी उनकी हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद उनकी मौत हो गई। राजू भाई भी जिम कर रहे थे, उस दौरान वो गिर गए, अस्पताल गए, लगभग एक महीने के बाद उनका निधन आज सुबह में हुआ। आपसे सवाल है कि राजू श्रीवास्तव साहब से जब मिलते थे उनकी सेहत कैसी रहती थी, क्या वो फिट थे या थोड़े बीमार रहते थे? अरे वो तो यंग एंग्री मैन, मैं उनको कहता था यार तुम देवानंद के रूप स्वरूप, देवानंद जी जो स्पीड थी वही स्पीड इनके अंदर थी, हमेशा फिट। कहाँ जा रहा राजू भाई? गोल्ड जिम, यहाँ का बड़ा फेमस गोल्ड जिम है लोखंड वाला में, गोल्ड जिम जा रहा हूँ, गोल्ड जिम से आ रहा हूँ। बस कहीं शो पे है तो वो फाइव स्टार होटल में जिम रहता ही है, बस जिम जा रहा हूँ, जिम से आ रहा हूँ। अपने आप को फिट रखते थे, बहुत फिट रखते थे। बस ये कैसा जिम था जहाँ ट्रेडमिल में दौड़ रहे थे या उसी टाइम पे अटैक आना था? अगर वो, मैं समझता हूँ जिम के बाहर होते तो कोई इतनी खतरनाक बात नहीं होती, लेकिन ट्रेडमिल में दौड़ते दौड़ते गिरना, तो सर में कहाँ चोट लगी, कैसी चोट लगी, उसको सुधारते सुधारते पूरी डॉक्टर्स की टीम लगी रही और सब दुआ करते रहे। लेकिन भाग दौड़ की जिंदगी, आप सही कह रहे हैं, मुंबई की बहुत भाग दौड़ की जिंदगी, उसमें से जिम के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अब सर छोटे छोटे शहरों में तो ग्राउंड होते हैं, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, ये गार्डन घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ बड़ा मुश्किल है। वो खुद भी जहाँ रहते थे वो समझता हूँ कि 30 माले से ऊपर का होगा, वो 24 फ्लोर पे रहते थे, तो अब कहाँ जाएं वहां से उतर के, तो जिम ही जा सकते हैं, गार्डन नहीं, फुटबॉल ग्राउंड नहीं, टाइम नहीं, सबसे बड़ी बात। और जब पहचान मिल जाती है तो ऐसा सार्वजनिक घूम भी नहीं सकते, तो छुप कर बड़ा जिम्मेदारी हो जाती है, आवाम इतनी परेशान करने लगती है जब कोई सेलिब्रिटी बन जाता हो, फिर तो राजू भाई, अरे 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 जहाँ चले जाएं वहीं राजू भाई, सेल्फी सेल्फी, आजकल हर कोई कैमरामैन बन गया, मोबाइल लेके चलता है सर एक सेल्फी, तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सर ये दो साल जो हमने कोरोना पीरियड देखा ना, इसके बाद से ही ये कुछ हार्ट अटैक के मामला ज्यादा बढ़ गए। तो हर किसी को एक समय निकालना चाहिए अपने शरीर के लिए, अपने जिम के लिए, अपनी मेहनत जारी रखना चाहिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये करते रहे और अपने आप को फिट रखे, हिट रखे। मैं तो बाबा रामदेव जी का चैनल लगा लेता हूँ 8 बजे और 8 से 8:40 तक के उनके साथ अलोम विलोम शीर्षासन, ये तो बचपन से करता ही था, लेकिन अब बाबा जी के प्रवचन भी सुनते रहो, अच्छी अच्छी बातें सुनते रहो, करते रहो। तो अब ये दौर आ गया है कि बाहर नहीं जा सकते तो घर पे करिए, लेकिन अपने आप को फिट रहिए। ये कि वहां पे मुंबई में जो मुंबई की इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वहां पे काम को लेकर के बेहद तनाव देखने को लोगों को मिलता है, बहुत ज्यादा तनाव है भाई। ये अपना जो 2 साल का पीरियड आया ना, कोरोना का पीरियड, लॉकडाउन का पीरियड, इसके बाद हर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, हर इंडस्ट्री मार खाई, हम 10 साल पीछे हो गए। कितनों ने अपने कर्मचारियों की छुट्टी दे दी, कितना बिठाल के देते रहेंगे हम, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई, हमारे यहाँ नीचे ही 2-3 कॉफी डे थे, कॉफी हाउस थे, CCD थी, बंद हो गई, क्योंकि अब ग्राहकी भी आ नहीं रही है, तो कहाँ बिठाल के नौकरों को हम तनख्वाह देते रहेंगे, ऐसा उनका कहना। तो ये सर सब जगह फर्क पड़ा है, इंडस्ट्री में तो खास फर्क पड़ा है, और सबसे ज्यादा कलाकारों ने ही भोगा उस टाइम। किराना दुकान चल रहा था, मेडिकल चल ही रहा था, दवाइयां बिकी रही थी, अनाज बिकी रहा था,
सिर्फ कलाकार घर में बैठे थे, न इनके कोई शो हो रहे थे, न इनको कोई मदद करने वाला था। मालिक ऐसा टाइम इस देश में कभी ना लाए जो हमने कोरोना पीरियड में निकाला है। एहसान साहब, आपकी बात राजेश श्रीवास्तव के किसी घर वालों से आपकी बात हुई है खबर के बाद से? इस खबर के बाद से कोशिश किए लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि ना तो भाई उठा पाए हैं ना भाभी जी उठा पाई, और मुझे परेशान भी नहीं करना चाहिए। हम खुद समझदार हैं, हमने SMS छोड़ दिया और दुख व्यक्त कर दिया है। अब फुर्सत से उनसे बाद में बात करेंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे बार बार परेशान करना, पूरा देश ही उनको फोन कर रहा होगा, सारा मीडिया फोन कर रहा होगा, तो अपन भी क्यों परेशान करें। तो ये अभी मेरी इन लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं हुई, एक कोशिश करके मैंने छोड़ दिया और बाकी मैसेज छोड़ दिया हूँ। मुझे आएगा, रिप्लाई भी आएगा, आराम से आएगा जी। कल दिल्ली में अंतिम संस्कार आएंगे आप एहसान साहब? कल कोशिश तो है, अभी हम लोग परिवार में चर्चा कर रहे हैं, पूरी पूरी कोशिश है। बहुत लोग पहुंचेंगे, उनके चाहने वाले बहुत पहुंचेंगे, और कुछ लोगों ने तो दिली तमन्ना ये जाहिर की थी कि बॉम्बे लाना चाहिए, क्योंकि उनकी कर्म स्थली ये रही है, और हम ये सोचते रहे उनकी जन्म स्थली उधर कानपुर लखनऊ है तो शायद वहां करेंगे, लेकिन अब सब ने मिलकर निर्णय किया है कि दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाए। तो ठीक है, वो तो लखनऊ और कानपुर से करीब है, वो लोग पहुंच जाएंगे, बॉम्बे से भी बहुत लोग पहुंचेंगे, मेरी भी पूरी कोशिश है जी। अंत में आप एहसान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भैया मैसेज बस यही है, सबसे गजोदर जा चुके हैं जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने कॉमेडियंस हैं इनमें जिम्मेदारी बढ़ गई है अब हंसाने की, दुखी मनों को हंसाइए। अब राजू भाई जैसे मेहनत कीजिए, वो आइडल थे हमारे, वो कैसे हंसी के नए नए आयाम निकालते थे, नई बातें निकालते थे। ऐसी साफ सुथरी कॉमेडी की तरफ सबको बढ़ना होगा, जो पूरे पूरे परिवार बैठ के आनंद ले सके, यही मेरा संदेश है नए वाले जितने आने वाले कलाकार हैं उनके लिए, और हास्य कलाकार के अलावा जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो अपनी अपनी कला को मजबूत करें। डांसर हैं तो डांस का अभ्यास करें अपने शहर में, अपने शहर में एक्टिंग करें। यूट्यूब चैनल आ गए हैं, अपना सोशल मीडिया आ गया, इसमें डालें जो अच्छे लगेंगे, अब इंडस्ट्री उनको उठा लेगी, वही आपका ऑडिशन है। अब आपको मुंबई आके परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और सब अपने अपने हुनर का प्रदर्शन अपने अपने सोशल मीडिया पे करें और अपने हुनर को दिखाएं, ताकि इंडस्ट्री चल के आपके पास आए, आपको चल के इंडस्ट्री के चक्कर नहीं काटना है बस। और अंत में राजू भाई के लिए दिल से दुआ करते हैं, वो हमारे बीच में हमेशा रहेंगे, अपनी हंसी के जरिए, अपने वीडियो के जरिए, अपने ऑडियो के जरिए, मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू वेरी मच। चलिए एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडिटर जी से बातचीत करने के लिए। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव साहब का दिल्ली में निधन हो गया, वो काफी दिनों से कोमा में थे, जिम के दौरान वो गिर गए, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे कि राजू श्रीवास्तव फिर से हम सबके बीच आए, हम सबको हंसाएं और फिर स्क्रीन पर उनको हम देखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सभी को एक गमगीन खबर सुबह सुबह लोगों को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपका। थैंक यू।